हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर व्लॉग गाइस। तो आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह से नहीं हो रही है, इसलिए मैंने गुड मॉर्निंग गाइस नहीं बोला है। आज की शुरुआत हो रही है दिन नहीं शाम से, 4 बज गए हैं अभी। और अभी मेरा बेड थोड़ा सा फैला पड़ा है यहाँ पे सामान से, क्योंकि जैसे मैंने बताया था शायद आपको पहले व्लॉग्स में कि हमारे फैमिली में भी शादी है ससुराल पक्ष से मेरे, तो और ये मेरी पहली शादी है अटेंड करने वाली मेरे इन लॉज की साइड से, मेरे ससुराल वालों की साइड से। तो उसकी तैयारी चल रही है, आज है मेहंदी, और मेहंदी के लिए अभी मैं पूरा देख रही थी क्या पहनना है, क्या क्या ज्वेलरी पहननी होगी, वो सब डिसाइड कर रही थी। और ये साड़ी मैंने मम्मी से ली है, तो मैं सोच रही हूँ यही पहनूँ। इसके साथ का ब्लाउज मेरे पास एक ग्रीन कलर की साड़ी थी, तो उसका वो मैंने लिया है। ये थोड़ा पूरा मैच तो नहीं हो पा रहा है, पर 90% के अराउंड हो ही रहा है, थोड़ा बहुत मतलब चल जाएगा काम। और ज्वेलरी का हिसाब किताब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है गाइस, और मेरे पास अभी सेल्फी स्टिक भी नहीं है, तो मैं अपना फ़ोन अटका भी नहीं सकती कि मैं आपको अटका अटका के कि फ़ोन अटका के दिखाऊं कि मैं क्या क्या पहनने की सोच रही हूँ क्या। सॉरी, यहाँ पर ये ट्रक वर्क चलते ही रहते हैं, तो टूडूडू की आवाज़ दिन भर चलती रहती है, तो मैं अपना फ़ोन यहाँ पर अटकाती हूँ। ठीक है गाइस, और अभी मुझे निकलना है थोड़ी देर में, क्योंकि आजकल ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है देहरादून में, आजकल शादी ब्याह का सीज़न है ना, तो इसलिए तो मुझे थोड़ा टाइम से निकलना पड़ेगा ताकि मैं सही टाइम पे पहुँचूँ। और अभी मैं जाऊँगी इनके ताऊ जी लोगों के घर पे, फिर वहीं से हम लोग रेडी होके फिर सारे दीदी लोग हम लोग सब साथ में जाएंगे मतलब, तो फिर उनके साथ जाऊँगी मैं शादी में। और तो मैं बता रही थी कि ये जो ग्रीन साड़ी है मेरी जो मैंने शाम के लिए तैयार की है पहनने के लिए, तो इसके साथ मैं ये वाली ज्वेलरी पहनूँ, ये मैंने अपनी इंगेजमेंट पर ली थी। ठीक है, एक ऑप्शन मेरे पास ये है, और इसके साथ ये सब कुछ है, छोटे छोटे से ईयरिंग है, अच्छे हैं मतलब सिंपल सोबर सा है, एक रिंग भी है। ठीक है, एक ऑप्शन तो मेरे पास ये है। ठीक है, एक ऑप्शन ये है कि मैं लुक को ज़्यादा वो करूँ क्या, मतलब एक लुक मेरे पास एक ये है, और ये मेरे मीशो प्रोडक्ट है गाइस, बहुत ही सुंदर से ईयरिंग है, पीकॉक ईयरिंग। तो एक लुक मेरे पास ये है कि मैं सिंपल से ईयरिंग पहनूं और साड़ी पहनूं। ठीक है, तो सेकेंड लुक मेरे पास ये है। थर्ड लुक के लिए मैंने मंगवाया था ये, और ये भी ज्वेलरी का सेट है, तो मैं पहले आपको दिखाती हूँ। ठीक है, पर ये बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा मैम, मुझे ऐसा लग रहा है, तो इसको तो मैं नहीं ही सोच रही हूँ पहनने की। ये देखो, ये बहुत ही ज़्यादा ओवर हो जाएगा मतलब शादी के टाइम के लिए। ठीक है, मतलब रिसेप्शन जब होता है उसके लिए। ठीक है, इसके साथ पूरा ही सेट आया था, ये हाथ का ब्रेसलेट है कुछ ऐसे करके, एक पूरी पन्ना की रिंग है, ग्रीन पन्ना, और ये इयररिंग मुझे बहुत अच्छे लगे इसके, तो इयररिंग है इसके साथ में, तो ये इसका देखूंगे, या तो इयररिंग ही पहन लेंगे इसके साथ में, ये तो नहीं पहनूंगी, ये बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा। तो अभी कन्फ्यूज़ हूँ मैं, अभी मेरे पास 2-3 लुक हैं, अब पता नहीं, अब लास्ट मोमेंट पे देखते हैं क्या होता है। अरे लाइट भी गई, तो गाइस लाइट जा चुकी है, तो मैं अपना बैग पैक करती हूँ, क्योंकि टाइम से निकलेंगे तो ही पहुँच पाएंगे टाइम से, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है जैसे मैंने बताया आपको, तो इसलिए। और मैंने आपको बता भी दिया मैं क्या पहनने वाली हूँ, क्या पता मुझे बाद में टाइम ना मिले बताने का कि मैंने क्या पहना है, क्या है, क्या है, क्यों है, किस लिए, क्योंकि मेरे ससुराल में ना शादी, तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा चुप ही रहती हूँ शांत टाइप की संस्कारी बहू एकदम, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा शर्म आती है व्लॉग बनाने में, तो इसलिए मैं शायद नहीं भी बोल सकती हूँ कुछ, मतलब दिखा तो मैं सकती हूँ, ऐसे वीडियो बनाऊँगी नॉर्मल, लेकिन बोलने में थोड़ा शर्म आती है मुझे, इसलिए मैं शायद बोल नहीं पाऊँगी। तो सारी चीज़ें मैंने अभी बता दी हैं आप लोगों को। ठीक है, तो बस गाइस, अब ज़्यादा ना बड़बड़ाते हुए मैं अब मिलती हूँ आपको सीधे बाद में। ठीक है, जहाँ मैं जा रही हूँ तैयार होने, तो अगर टाइम मिला सब कुछ ठीक रहा तो मैं व्लॉग बना दूंगी, अदरवाइज आप देर समझ लेना कि मैं बिजी हो गई थी। ठीक है, फिर मिलते हैं सीधे मेहंदी में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। हेलो हेलो, करो आप तैयार हो गए? हाँ। कहाँ के लिए? पांव आगे आगे करो, आगे आगे करो। ये देखो भाई, पीयू की कितनी सुंदर ड्रेस है, क्या पहना है पीयू ने? सैंडल पहना है पीयू ने, और ये ड्रेस क्या पहना है? हाँ, अब कहाँ जा रही है पीयू सूट पहन के? दर्द करो। ये देखो पीयू का रोज, देखो जरा पीयू का खीना छुंदा लग रहा। पीयू पीयू ये क्या है? मैं पैरों
अच्छा रुको 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 अभी क्या पहले शूज पहनना है? अभी मेरी फोटो मत खींचो, अभी मत खींचो, अभी कैमरा बंद करो। अच्छा अरे बाप रे। तो गाइज हमारी पलटन हो चुकी है फिर से तैयार, दोनों मैचिंग मैचिंग, इधर देखो दोनों, वाह हुस्न परी, वाह सही में दोनों का कलर सेम है। और गाइज ये है मेरा आउटफिट और मैं हूँ जरा बहू वाले उसमें अवतार में साड़ी वाड़ी पहन के। दर्शकों अभी तक हमारा बहुत ही ज्यादा व्यस्त कार्यक्रम चल रहा था, तैयार होने पे इतनी हैंड अप हैंडी हो गई थी यहाँ पे कि क्या ही बताएं। तो अभी बना रहे अब सीधे वीडियो, और पीहू तो आज ऐसी है कि पहले तक उसने बनाने ही नहीं दी वीडियो, कि मेरी बनानी ही नहीं है, पहले मुझे तैयार होने दो कि फिर बना दो मेरी वीडियो की। तो अब बनाई है उसकी वीडियो जब तैयार हो गई हो, तो अब बताना ठीक है कैसी लग रही पीयू। ये पीयू की मम्मी है जो नेल पेंट लगा रही है, और ये पीयू की मौसी है जो नेल पेंट लगवा रही है। और ये देखो अब लास्ट मोमेंट की ये तैयारी चल रही है, 10 बजे तक नहीं जाएंगे तो 10 बजे तक पूरा नहीं होगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा, ये नहीं किया वो नहीं किया। तो अभी भी थोड़ा बहुत चल ही रहा है यहाँ पे कार्यक्रम। ओए बाबा पियो कहाँ जा रही, पियो है पियो बताओ बताओ आप कहाँ जा रहे हो? चौमिन, चौमिन खाने। कहाँ खानी तूने चौमिन? ये तैयार कहाँ जा रही है? वो पहन के, ये वो कहाँ पहन के जा रही है? इतनी अच्छी ड्रेस कहाँ के लिए पहनी है पियो ने? कहाँ गई आगे नीचे ना लग रही, थोड़ा शक की नीचे ना। तो पियो को शर्म कैसे आती? ये तो गुच्छा हो गया, गुच्छा आ गया। शर्म कैसे आती पीयू को? पापा मौसी कैसे दिख रही? ये कौन है? अच्छा छाड़ी है ये। लोग आ चुके हैं मेहंदी वाले वेडिंग पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे आज मेहंदी है। कितना अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ देखो, बहुत ही सुंदर डेकोरेशन है, वाइब्रेंट सी वाइब्स है। और ये है हमारी दुल्हन, ये है बुआ की लड़की, और ये यहाँ पे फोटो शूट करवा रहे हैं अभी। बाकी लोग हमने करवा दिया, बाकी लोग भी आ रहे हैं अभी, और अब खाने का अरेंजमेंट साइड है, इसलिए सारे खाने के लिए आने लगे हैं। अभी हमारी फोटोज पूरी नहीं हुई है, अभी 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 हमने अभी हमारी फोटो संतुष्टि नहीं हुई है, कुछ ले लिए हैं लेकिन अभी कुछ बाकी है। और हम वो देख रहे हैं पीछे का बैकग्राउंड बढ़िया था जहाँ पे हम फोटोज खींच सके। और गाइस ये सब शादी एंजॉय करते हुए। पियो तू शादी में आई है कि झूला झूलने आई है? तू किसके साथ झूला झूल रही है? मामी झूला। कौन सी मामी है ये? ये अनु मामी है कि कीर्ति मामी है? कीर्ति मामी है। इन्हें पता है तूने शादी में डांस तो किया ही नहीं? और अच्छा खाना फिनिश हो चुका है, अब व्लॉग बना रहे हैं। बगल वाली प्लेट अभी भरी हुई है, तो आप देख सकते हैं चावल है, दाल मखनी भी है, दाल मखनी पनीर वगैरह सब्जी कैसा है? नहीं बढ़िया, खाने में मजा आ रहा है। और आगे दीवी बैठी हुई है, दुल्हन की बड़ी बहन है ये, जो शर्मा गई थोड़ा सा। और ये है बाकी का वेडिंग वेन्यू गाइस, और मेरा तो खा लिया है, मेरी प्लेट हो चुकी है खाली। I'm not afraid.
हो? सही हूँ मैं। आप व्लॉग में आए नहीं पूरे दिन भर, कहाँ थे आप? कहाँ बिजी थे? वहाँ झूला झूल रहा था। वहीं बिजी थे, आपको पता ही नहीं चला मैंने व्लॉग भी बनाया वहाँ पे शादी में? नहीं। अभी याद आया किसी को? अभी याद आ रहा है। पियो इधर देखो। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे, कपड़े चेंज कर दिए और पियो बोले हाय, कैसे हो आप लोग? बोलो बोलो कैसे हो आप लोग? हाँ पियो है। हाँ ये पियो के हाथ पे क्या है? ये क्या है? फूल है। कहाँ पे लगाया पियो ने फूल? यहाँ पे लगाया। मामी लगाए फूल? नहीं लगाए। मामी नहीं लगाई? अच्छा ठीक है, नहीं लगाई। बोलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं कल आपको। ओके बाय गाइस। तो फूल मामी कहाँ पे लगाए फूल? यहाँ पे लगाए, यहाँ पे मामी के बाल पे लगाओ। अरे गिर गया।